कि संसार यही करता है, हम और आप भी यही करते हैं। हम मदद किसकी करते हैं? जिससे हमको पता है कि आगे हमको भी फायदा है। एक बहुत साधारण बात बताता हूँ, शादी ब्याह के न्योते आए दिन आते रहते हैं हमारे घरों पर। कभी मित्र है, कभी रिश्तेदार है, कभी कोई है, कोई कभी जान पहचान वाले हैं। जब बहुत धनवान के घर का निमंत्रण आता है, उनके घर में शादी है, तो पति पत्नी से क्या कहते हैं? लिफाफे में 1-2 हज़ार रखना। किसी बड़े घर की शादी में जा रहे हैं, उसने कहा लिफाफे में अच्छे खासे रुपए रखना। और वही किसी गरीब के घर की शादी में जाते हैं तो क्या कहते हैं? 100-200 चलता है। पर जरूरत किसको है, पर हम देते किसको है? जिसको बिल्कुल जरूरत नहीं, जिसके पास पहले ही भरे भरे हैं, उसको तो लिफाफा भी दो, तो गिफ्ट भी दो, तो ये भी दो। जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको आपकी छोटी सी दी हुई सहायता बहुत मायने रखेगी, उसकी मदद हम नहीं करते। कहते हैं जब सुपात्र मिले तो सहयोग कर देंगे। जब भी आपको लगे आपके सामने कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सहायता की जरूरत है, तो उसकी सहायता उसी वक्त कर दें। क्योंकि भगवान, कई लोग कहते हैं, हम लोग जब चाहे नारायण सेवा संस्थान की बात है, जब कहते हैं आपको, कई लोग कहते हैं ऐसे कैसे दान कर दे, इतने मेहनत से कमाया हुआ धन ऐसे कैसे किसी को दे दे। तो इसी मेहनत से कमाए हुए धन को मैंने शादियों में, पार्टियों में पानी की तरह बहते देखा, पानी की तरह बहते, फिर भी मैं गलत नहीं हूँ। आपका धन है, आपको जैसे इसका उपयोग करना है, आपको खूब धूमधाम से शादी करें। लेकिन एक बात बताइए, आप बड़ी धूमधाम से शादी कर रहे हैं, रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन इतना करने के बावजूद यहाँ एक व्यक्ति भी विश्वास से गारंटी के साथ कह सकता है मेरी बेटी हमेशा सुखी रहेगी? कोई भी कह सकता है, कह सकता है। लेकिन अगर जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, कभी उसी वक्त किसी गरीब कन्या की शादी में भी मदद कर दें, तो मैं कहती हूँ कि आपकी बेटी का दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी रहे। लाखों की गाड़ी खरीदते हैं, खरीदिए, कोई विरोध नहीं है, आपकी इच्छा है, गाड़ी खरीदिए। तो जब गाड़ी खरीद रहे हो तभी कुछ बैसाखी कुछ दिव्यांगों को दान कर दो, तो गाड़ी आपको हथेली पर रखकर चलेगी। अपनी इच्छाएं पूरी करिए, जी भर के करिए, लेकिन साथ ही साथ उनकी भी सहायता करिए जो खुद की सहायता नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, भगवान अगर देना जानते हैं तो वापस भगवान देखेंगे ये कुछ काम कर ही नहीं रहा, तो सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा है, तो क्या फायदा? क्योंकि भगवान तो सहायता भी उसकी करते ना, जो भगवान देखते कि अच्छा व्यक्ति है। भगवान उपकार नहीं रखते किसी का, क्योंकि हम मनुष्य ऐसे हैं कि अगर हम दान भी करेंगे ना, ऊपर जाकर भगवान को भी सुनाएंगे। ये सच्ची बात है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि अगर किसी ने दान किया है तो ऊपर गया तो भगवान को भी सुनाएगा कि मैंने इतनी इतनी सहायता करी थी, इतना इतना दान किया था। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि भगवान कहेंगे तुमने इतना इतना किया तो मैंने इतना इतना वापस भी दे दिया। कि हम जितनी सहायता करते हैं, दान करते, भगवान उससे डबल चौबल वापस करते हैं, क्योंकि वो उपकार नहीं रखते। भगवान कहते हैं सहायता करता है, इसको और दो, अच्छे काम करता है। और जो खुद ही खुद ही का सोचते हैं तो भगवान कहते इसको देकर फायदा क्या, इसको सिर्फ अपना ही काम करते हैं। ये कभी नहीं सोचना कि दान करने से धन की कमी हो जाएगी, नहीं, कभी नहीं। कि वो बैठा है, अच्छे कर्म करो तो वो सहायता करते हैं। कहते हैं कि कल आप सभी ने बड़ा नृत्य किया, या ना सबने नृत्य किया, बाप ने हमने नृत्य किया है तो हमने अपनी इच्छा पूरी की है, अपना आनंद ले लिया। लेकिन विचार करिए, अगर आपके दिए हुए दान से कोई दिव्यांग आकर कीर्तन में नृत्य करे अपने पैरों पर, तो कितनी अच्छी भक्ति कहलाएगी।
भी मिल जाए। पर ना आज रस्ते में जो हम भी देखते लोगों को रे होते हुए दया बड़ी आती है, लेकिन उस दया का क्या फायदा जब मौका मिलता है तो सहायता नहीं करते, जैसे फूल फेर कर चले जाते हैं।